दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड ज्वेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक ज्वेल में। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ये वीडियो होने वाली, तो मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मुझे यहां पर ऑफर कुछ मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि आपको पता होगा कि यार मैं एडिटिंग जो कर रहा हूँ मैं अपने पीसी में करता हूँ और कुछ कुछ मोबाइल से भी कर लेता हूँ और कुछ यहाँ पर एडिटिंग जो होती है वो पीसी से करता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं यार अब चाहिए था थोड़ा हाई एंड लैपटॉप। अब हालांकि मैं देखो लैपटॉप हर जगह लेके जा सकता हूँ, कैरी कर सकता हूँ, मतलब कैरी मतलब अच्छे से हो जाता है, वहीं डेस्कटॉप तो लेकर मैं नहीं जा सकता इधर उधर। तो मुझे चाहिए था एक बेहतरीन लैपटॉप। अब अगर बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की, तो एक जो गेमिंग लैपटॉप है उसमें ये पता चल जाता है कि हाँ इसमें एडिटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि यार जो मतलब जो गेमिंग में जो हाई एंड परफॉर्मेंस है, जो हाई एंड गेम्स हैं, वो अगर गेमिंग लैपटॉप एक गेम को बढ़िया से रन कर पा रहा है तो डेफिनेटली जो आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जो कि बम्पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, वो तो यार गेमिंग लैपटॉप में इजिली चली जाएंगे। तो मुझे चाहिए था एक गेमिंग लैपटॉप, आप कह सकते हो। बेसिकली मुझे वर्क जो है वो एडिटिंग का ही है, तो मैं चाहता था कि अगर मैं थोड़ा छोटा गेम भी खेलना चाहूँ, जैसे GTA 5 हो गया या जो अपकमिंग गेम्स हैं वो सब खेलना चाहूँ हाई ग्राफिक्स में, तो वो भी मैं इजिली आराम से मक्खन खेल सकूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पर गया था मॉल, और मॉल में यहाँ पर गया था अपने लिए एक लैपटॉप बाय करने। मतलब मैं गया था वहाँ पर मॉल के अंदर, और मॉल में मतलब मैं सोचा यार कि रिलायंस डिजिटल स्टोर जाते हैं, तो मैं रिलायंस डिजिटल स्टोर गया और वहाँ पर मैंने जाके कुछ लैपटॉप देखे जो कि गेमिंग लैपटॉप थे। तो मुझे अधिकतर वैसे सभी लैपटॉप वहाँ पर जो अवेलेबल कराए जा रहे हैं उन सभी लैपटॉप के काफ़ी बेहतरीन ऑफर्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यार गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए, अगर आप एडिटिंग करने के लिए चाहते हो या आप बेसिक वर्क के लिए चाहते हो, ऑफिस वर्क के लिए चाहते हो, तब भी वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छे ऑफर्स में अवेलेबल हैं। तो मुझे लगा कि वहाँ पर मुझे जाना चाहिए, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप के बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया है। और दोस्तों बता दूं मैं रिलायंस डिजिटल स्टोर पर भी वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ऑफर्स चल रहे हैं, वो इस वीडियो में मैं लास्ट में बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप एक 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, 40,000 रुपये का अगर लैपटॉप चाह रहे तो बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप मिला है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कहीं भी ऑफर इस समय फिलहाल चल रहा है आपको देखने को मिलेगा, तो रिलायंस आपके नज़दीकी रिलायंस डिजिटल स्टोर पे आपको ऐसे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से दोस्तों यहाँ पर कर देता हूँ गेमिंग लैपटॉप की अनबॉक्सिंग फुल रिव्यू, और उसके बाद बताता हूँ आपको रिलायंस डिजिटल स्टोर की तरफ से दिए जा रहे बेहतरीन ऑफर के बारे में। तो जाने के वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है बॉक्स हमारे लैपटॉप का, जो कि लैपटॉप का बॉक्स हमारे सामने रखा हुआ है। ये बेसिकली गेमिंग लैपटॉप है, और मैंने जैसा कि आपको कहा कि अगर गेमिंग लैपटॉप गेमिंग अच्छे से कर पाता है तो एडिटिंग के लिए तो परफेक्ट लैपटॉप होने ही वाला है। तो हम लोग चल कर लेते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स। तो यार मैं इसको पहले काट लेता हूँ कटर से, क्योंकि ये पूरा सील पैक डब्बा है। और दोस्तों यार मैं कसम से कहता हूँ मेरा दिल आ गया इस लैपटॉप पर, क्योंकि इतना बेहतरीन यहाँ पर आपको स्पेक्स मिल जाते हैं, प्राइस भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। अगर आप गेमिंग चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा, अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा ही, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजेस के लिए चाहते हो तब भी आपको रिलायंस डिजिटल स्टोर पे काफ़ी बेहतरीन लैपटॉप्स मिल जाएंगे। उस ऑफर के बारे में मैं इस वीडियो में लास्ट बताऊंगा, फिलहाल बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने बॉक्स को कर लिया है ओपन, जो कि लैपटॉप का बॉक्स है, और ये रहा हमारा गेमिंग लैपटॉप। अब पहले जो जो मटेरियल अंदर मिल जाता है कंटेंट, उनको हम निकालेंगे बॉक्स के अंदर से। तो दोस्तों यहाँ पर अभी लैपटॉप को रखते हैं साइड में, और बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है तो बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको ये पैकेट देखने को मिलेगा, अब इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, पहले ही पता होगा। तो दोस्तों बॉक्स के दूसरे कंटेंट की तरफ ध्यान देते हैं, और ये रहा हमारा दूसरा कंटेंट। अब अगर बात करते हैं यार इसको मैं पहले ओपन करता हूँ, पूरा फाड़ के मैं आपको दिखाता हूँ यार कैसा देखने को मिल जाता है, क्या कुछ नया चीज़ यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये केबल आपको मिल जाता है, जो कि आपके लैपटॉप को चार्जिंग के लिए मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लैपटॉप को यहाँ पर मतलब कनेक्ट होगा और उसी से आप इसको चार्ज कर पाओगे। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर ये कनेक्ट होगा। तो
दूसरा जो कंटेंट हमारा निकलता है बॉक्स के अंदर से, वो यहाँ पर इसका चार्जर निकलता है, लैपटॉप का चार्जर, जिसके माध्यम से आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर पाओगे। तो मैं भी इसको भी खोल के दिखा देता हूँ, इसकी पावर रेटिंग वेटिंग मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे मिल जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं रेटिंग आपको शो कर देता हूँ, तो दोस्तों आप ये आपको लैपटॉप का चार्जर देखने को ऐसा कुछ मिल जाता है। अगर मैं वायर आपको ध्यान से दिखाता हूँ तो वायर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब यार बेसिकली चार्जर में तो कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन हाँ आपकी गेमिंग लैपटॉप को चार्ज करने के लिए इसकी जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका जो गेमिंग लैपटॉप है वो भी काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाएगा। अब दोस्तों अपने लैपटॉप को निकालते हैं बाहर से। तो जैसे आप लैपटॉप बाहर निकालोगे बॉक्स के अंदर से, तो यहाँ पर आपको मैं पहले रखता हूँ यार लैपटॉप, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर महंगा लैपटॉप है, तो लैपटॉप को रखते हैं साइड में। यहाँ पर जो आपको पहली बुक्स मिलती हैं, अब बेसिकली अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ लेते हो, डिवाइस लेते हो, तो वहां पर आपको यूजर मैनुअल गाइड मिलती है। तो इसको पढ़ के आप अपने जो डेल का, तो क्विक स्टार्ट गाइड को आप पढ़ के अपने डेल का जो G715 मॉडल है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा यार, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं हो, बाद में आपको सेफ्टी और रेगुलेटरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कुछ गाइड मिल जाती है, तो इसको भी यार साइड में रखते हैं, इसमें कुछ ऐसा पढ़ने लायक नहीं है। और अब दोस्तों बात करते हैं लैपटॉप की। तो लैपटॉप को जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं बॉक्स के अंदर, मैं दिखाता हूँ कोई भी कंटेंट अब नहीं बचा हुआ है, तो इस बॉक्स को भी हम रख देते हैं साइड में। और तो दोस्तों यहाँ पर लैपटॉप के ऊपर जो पन्नी के अंदर है उसको पहले हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको खोलता हूँ और रिमूव करता हूँ, तो आपको साइनिंग लैपटॉप, मतलब साइन करते हुए लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। इस पन्नी को मेरे रख देता हूँ साइड में। अब आपको अगर लैपटॉप का कुछ लुक दिखाता हूँ, तो ऐसा लुक आपको देखने को मिल जाता है। अब फिज़िकल पोर्ट वोट की भी मैं बात करने वाला हूँ। फिलहाल दोस्तों अगर मैं बैक साइड से आपको दिखाता हूँ, तो आपको पीछे साइड, तो दोस्तों बैक साइड में आपको G7 की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि मॉडल G7, मतलब इसको यहाँ पर बैक साइड में लिखा गया। यहाँ पर कुछ पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को मैं यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप को मैं जल्दी से अब ओपन आपको करके दिखाता हूँ। तो लुक्स आपने देख लिया, अगर मैं ओपन करता हूँ इसको फ्रंट साइड से, तो ओपन आप जैसी करोगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगी पन्नी टाइप की। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सेफ्टी के लिए होती है स्क्रीन की, तो मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। और जो यार पहला है, मतलब लुक्स आ रहा है, वो लग रहा है यार, फील हो रहा है मुझे कि गेमिंग लैपटॉप है, कसम से मज़ा आ गया। और इसके जो स्पेक्स है भी मैं आपको फुल डिटेल में, तो यहाँ पर लैपटॉप को साइड से आपको ये पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, मैं पोर्ट्स समझाऊंगा पूरे यहाँ पर, अभी मैं खाली लुक्स दिखा रहा हूँ। तो कुछ साइड से आपको ऐसा देखने को लैपटॉप मिल जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस साइड से, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको पोर्ट्स मिल जाता है, जैसे कि आप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, अभी मैं फुल डिटेल में इस पोर्ट्स को समझाऊंगा। और यहाँ पर आपको जो टच पैड है इसका, वहाँ पर भी आपको लाइट्स देखने को मिल जाती है। बैक साइड से कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलता है। सो दोस्तों हमने जब लैपटॉप को ओपन किया, तो इसके अंदर बैटरी नहीं होगी, क्योंकि पूरा पैक लैपटॉप था, तो पहले हमें इसको लगाना होगा चार्जिंग पे। तो आपको दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि आप कीज़ पे देख सकते हो लाइट ब्लिंक हो रही है। दोस्तों चार्ज पे लगाने के बाद इसको यहाँ पर फर्स्ट बूट होने में लगता है थोड़ा टाइम का, अगर कोई भी लैपटॉप लेते हो तो चार्ज पे लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक मैं आपको इसका कुछ फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो पहले इसको एक्स्ट्रा आप चार्जिंग पे लगा के स्टार्ट करोगे, तो आपको मतलब पूरा सेटअप करना होगा, जैसे कि स्मार्टफोन में करना होता है। तो अब दोस्तों अगर बात करते हैं लुक्स की, तो लुक आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। इसकी कीज़ काफ़ी टेक्टाइल मुझे लगी है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा वर्क करके। बैक साइड में आपको डेल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अगर बात करता हूँ लैपटॉप के मॉडल का, तो ये जो लैपटॉप का मॉडल है ये आपको बहुत ही बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप है। बेसिकली इसका जो मॉडल है आपको वो यहां पर मिल जाता है, डेल का G7 सीरीज का मिल जाता है। और दोस्तों अगर मैं फुल मॉडल की बात करूं, तो डेल का G7 7588 इसका पूरा यहाँ पर मॉडल नंबर मिल जाता है। तो ये कुछ आपको मिलता है। फ्रंट साइड में आपको मिला है कोर i7 8th generation की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड यूज किया है वो यहाँ पर दिखाया गया। तो फ्रंट साइड में गेमिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है। 15.6 इंच की फुल HD IPS से आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। थर्मल कूलिंग NVIDIA का यहाँ पर ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, और USB टाइप सी आपको थंडरबोल्ट 3 के साथ मिलता है। और वहीं बात करते हैं, यहाँ आपको ग्राफिक कार्ड और कोर i7 8th generation इंटेल का यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर G7 की ब्रांडिंग मिलती है अपर साइड में। और दोस्तों अगर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी रहेगी लैपटॉप में वो एकदम 100% सिक्योर रहने वाली है। तो ये कुछ फिजिकल ओवरव्यू था यहाँ पर आप कह सकते हो लैपटॉप का। तो दोस्तों हमारा जो लैपटॉप है वो बूट हो चुका है, पहला यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं अगर बात करता हूँ लैपटॉप के रिस्पांस की, टच पैड की, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है वहाँ पर अगर टच पैड का रिस्पांस अच्छा ना हो तो कहीं ना कहीं गेमिंग एक्सपीरियंस में मतलब दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो टच पैड का रिस्पांस है वो काफ़ी बेहतरीन है। मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ तो वैसे वैसे कर्सर वर्क कर रहा है, हालाँकि कुछ पैड में जो टच पैड होता है, लैपटॉप में जो टच पैड होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता, तो वहाँ पर जो अपना जो एक्सपीरियंस होता है लैपटॉप यूज़ करने का वो पूरी तरीके से बर्बाद होता है। और वहीं अगर गेमिंग लैपटॉप
में टच पैड अच्छे की तरह वर्क ना करे तो वहाँ पर तो और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ क्या क्या यहाँ पर आपको लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। तो पहला तो यहाँ पर अगर पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो एनवीडिया का जी फोर्स का GTX 1060 ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाता है जो कि मैक्स क्यू डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइंड है। और दोस्तों अगर बात करते हैं 8th generation का इंटेल कोर i7 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है जो कि सीमलेस परफॉर्मेंस आपको देगा। और दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर और क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं तो ये मॉडल नंबर आपको मैंने बताया 7588 मिल जाता है। सीरीज़ की बात करें तो G7 सीरीज़ का आपको मिलता है। और दोस्तों ये जो लैपटॉप टाइप है वो है गेमिंग लैपटॉप, सुटेबल है आपका गेमिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको अगर बात करते हैं बैटरी सेल की तो 4 सेल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। MS ऑफिस यहाँ पर प्रोवाइडेड है पहले से ही। अगर बात करते हैं डेडिकेटेड आपको ग्राफिक मेमोरी टाइप कैसे देखने को मिल जाती है तो ये GDDR5 देखने को मिलती है। डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी कैपेसिटी आपको 6GB मिलती है। यहाँ पर प्रोसेसर ब्रांड जो मिलता है वो इंटेल मिलता है, प्रोसेसर नेम कोर i7 जैसे कि मैंने बताया। प्रोसेसर जनरेशन की अगर बात करें तो 8th generation का यहाँ पर आपको मिलता है। SSD भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। SSD की कैपेसिटी की बात करें तो 128GB की है। वहीं अगर रैम की बात करें तो 16GB की आपको रैम मिल जाती है। रैम टाइप की बात करें तो DDR4 देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करते हैं HDD कैपेसिटी की तो यहाँ पर 1TB की आपको देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर अगर वेरिएंट की बात करें तो 8750H आपको देखने को मिल जाता है। क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.2 GHz का आपको मिलता है, वो भी टर्बो बूस्ट अप टू 4.1 GHz तक यहाँ पर दिया गया। तो ये काफ़ी अमेजिंग है, आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को स्मूथ कर देगा। मेमोरी स्लॉट की अगर बात करें तो 2 स्लॉट आपको देखने को मिल जाते हैं। रैम फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो 2666 MHz की यहाँ पर आपको मिलती है। कैच मेमोरी की बात करें तो 9MB मिल जाती है। वहीं RPM की बात करें तो 5400 मिलता है। ग्राफिक प्रोसेसर की बात करें तो एनवीडिया का GTX 1060 मिलता है। और नंबर्स ऑफ कोर्स की अगर बात करें तो 6 आपको देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर आपको जो OS R की यहां पर टेक्सचर है वो 64 बिट का मिलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 होम आपको देखने को मिलता है। और ये काफ़ी अमेजिंग सी जगह है। वहीं बात करते हैं पोर्ट और स्लॉट फीचर्स की तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन आपको मिल जाता है। अभी मैं पोर्ट्स के अलग तरीके से आपको बताऊंगा। वहीं अगर बात करते हैं डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको स्क्रीन साइज 39.62 cm का मतलब 15.6 inches का मिल जाता है। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 9020x1080 pixels का मिलता है। स्क्रीन टाइप की अगर बात करें तो Full HD+ LED बैकलिट, यहाँ पर एंटी ग्लेयर, आपको ग्लेयर IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। स्पीकर की बात करें तो बिल्ट इन डुअल स्पीकर आपको देखने को मिलता है। इंटरनल माइक भी आपको आपको दिया गया है, डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन दिया गया है। और साउंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो फ्रंट फायरिंग स्पीकर विद वेव्स मैक्स ऑडियो प्रो आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये काफ़ी अलग अलग मतलब इसमें फीचर्स दिए गए हैं। और वायरलेस लैन की अगर बात करें तो ये सभी आपको ब्लूटूथ वर्जन जो है वो 5.0 देखने को मिल जाता है। और काफ़ी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर वेट की बात करें तो वेट लैपटॉप में काफ़ी मैटर करता है। बेसिकली गेमिंग लैपटॉप है तो 2.63 kg का आपको देखने को मिल जाता है। तो अब दोस्तों जैसे नॉर्मली यहाँ पर जो लैपटॉप्स में फीचर्स होते हैं जैसे ऊपर साइड में ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो आप, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, बाकी यहाँ पर जो भी एक मतलब फीचर्स होते हैं नॉर्मल यहाँ पर लैपटॉप्स में वैसे ही कुछ फीचर्स यहाँ पर इस लैपटॉप में भी ऊपर साइड से मिल जाते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, ब्राइटनेस कम करने के लिए वगैरह। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको वेब कैमरा जो मिलता है उसकी क्वालिटी दिखा दूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिलता है। वेब जो वाइड स्क्रीन आपको HD 720p वाला वेब कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब आप अगर किसी से वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और गेमिंग की स्ट्रीमिंग करना चाहो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि जो वीडियो कॉलिंग है इसकी मतलब फ्रंट कैमरे के हिसाब से ठीक ठाक आपको लैपटॉप में मिलती है और आप आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कुछ पोर्ट्स की जो कि राइट एंड लेफ्ट साइड में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। 3 USB पोर्ट मिलते हैं यहाँ पर 3.1 के, और टाइप ए आपको मिल जाते हो। यहाँ पर 1 USB पोर्ट मिलता है 3.1 का, और टाइप सी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। HDMI पोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर 1 HDMI पोर्ट आपको मिलता है वर्जन 2.0 का, और मल्टी कार्ड स्लॉट भी आपको मिलता है। 2-in-1 कार्ड रीडर आपको मिल जाता है। SD कार्ड माइक्रो मीडिया SD कार्ड आपको रीडर भी देखने को मिल जाता है। मतलब कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली इस गेमिंग लैपटॉप में। अगर बात करते हैं लैपटॉप के बैक साइड में तो यहाँ पर जो भी ग्राफिक लगा हुआ है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो भी यहाँ पर लगा हुआ है वो बेसिकली आपको यहाँ पर बैक साइड में देखने मिलता है। जो भी हीट है वो यहीं से निकलेगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रिप बनाने के लिए जिस सरफेस में आप लैपटॉप को रखोगे वहाँ पर फिसले ना, इसके लिए यहाँ पर आपको ग्रिप बनाने के लिए रबर भी लगा हुआ है। तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। तो जो भी गेमिंग करते समय हीट यहाँ पर होगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, मतलब ग्रिल आपको देखने को मिलती है। और जो यहाँ पर जो लाइट दी गई है कीबोर्ड पे वो भी आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलती है। मतलब नाइट में अगर आप गेमिंग करोगे तो और आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों लैपटॉप में एक और मेन चीज़ होती है जो कि है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी का भी होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर लैपटॉप को थोड़ा प्रेस करके देखा, कीबोर्ड साइड से प्रेस किया, जहाँ पर टच पैड है वहाँ प्रेस किया, तो कहीं से भी बॉडी दब नहीं रही, पूरा मेटल डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। तो ये बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। और दोस्तों इतना ही नहीं, मैंने कीज़ को यहाँ पर टाइपिंग करके भी देखा, मैंने टाइपिंग पूरी करके देखी तो कीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करी और काफ़ी टेक्टाइल है, काफ़ी बेहतरीन फीलिंग आती है मतलब टाइपिंग करते समय भी। तो गेमिंग आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे।
तो फाइनली दोस्तों अगर बात करते हैं टाइपिंग एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी अमेजिंग था। मैंने मतलब पूरा इसको टाइप करके देखा, बहुत ही मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो टैक्टाइल बटन है बहुत ही अमेजिंग है। सो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, मेरी पूरी वीडियो मैंने फुल रिव्यू किया है, मैंने सब चीज़ के बारे में इस लैपटॉप के बारे में बात की, तो मुझे नहीं लगता कोई भी पॉइंट मेरे से मिस हुआ है। तो दोस्तों ये था डेल का G7 सीरीज़ का बेहतरीन लैपटॉप, जिसका अगर मॉडल नंबर है 7588। ये गेमिंग लैपटॉप है, मैंने इसके सब कुछ बताया। तो मैं अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो इस लैपटॉप को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप गेमिंग के लिए चाहते हो। तो डेल बहुत ही अच्छे लैपटॉप बनाती है और G7 सीरीज़ के लैपटॉप मतलब फेमस हैं इसके। तो 7588 मॉडल का आप ये लैपटॉप ज़रूर खरीदिए अगर आप गेमिंग के लिए मतलब लैपटॉप ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो। और काफ़ी हर चीज़ मतलब आपको फुल मतलब पूरा लैपटॉप पैक्ड मिल जाता है, मतलब आपको परफॉर्मेंस कहीं भी आपको ऐसी नहीं दिखेगी कि यार मतलब गेम नहीं चल रहा है, हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है। तो दोस्तों ये बेस्ट लैपटॉप है। अगर इसकी मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ तो प्राइसिंग यहाँ पर आपको मिलती है 1,31,602 रुपीज़। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसकी प्राइस जो है वो 1,31,602 रुपीज़ है। अब ये बेसिकली अगर गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये प्राइस में आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपको मतलब जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। तो आप लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो, बजट आपका 1,31,000 करीबन है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देख ली फुल अनबॉक्सिंग, फुल रिव्यू गेमिंग लैपटॉप का जो कि डेल की तरफ से आता है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ रिलायंस डिजिटल स्टोर पे चल रहे बेहतरीन ऑफर्स के बारे में, जिसमें कि आपको काफी बेहतरीन बेहतरीन बम्पर बम्पर ऑफर, धमाका ऑफर्स आप कह सकते हो दिए जा रहे हैं। अगर बात करता हूँ वहां पर आपको जो लैपटॉप्स अवेलेबल कराए गए हैं वो बहुत ही वाइड रेंज, मतलब वेराइटीज ऑफ लैपटॉप्स आपको देखने को मिल जाती है, वाइड रेंज लैपटॉप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेटेस्ट लैपटॉप मिलते हैं वो भी कोई ऐसे पुराने नहीं। तो आपको वहां पर लीडिंग ब्रांड्स जो है सच लाइक HP हो गया, डेल हो गया, लेनोवो, एसर हो गया, एप्पल, एसुस, सभी प्रकार के वहां पर मिलते हैं। तो मतलब आपके लिए चॉइस काफी बेहतरीन है। अगर आप एक जगह रिलायंस डिजिटल स्टोर जाते हैं तो वहां पर सभी प्रकार के आपको लैपटॉप मिलेंगे और ऑफर भी सब पे ऑफर भी यहां पर आपको मिलेगा। अब दोस्तों अगर बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, तो यहां पर जो उनका मतलब मेरे को जब मैं यहां पर गया बाय करने गया तो उनका जो स्टाफ है वो मुझे काफी अच्छा लगा, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है। अगर आप भी चाहते हो तो वहां पर जाइए, आपको खुद ही पता लगेगा, बहुत फ्रेंडली वो बात करते हैं और वो सही बताते हैं कि क्या आपके लिए सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा, मतलब वैसे जबरदस्ती कुछ नहीं करते। तो आपके मतलब आपके हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा वो भी बताते हैं, प्रोडक्ट के कौन सी बताते हैं, प्रोस बताते हैं, मतलब क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो सब कुछ बताते हैं। खाली अच्छाई ही नहीं गिनाते कि आप प्रोडक्ट बाय कर लें फिर उसके बाद आप ले आना लें। तो अब दोस्तों अगर बात करते हैं वो अनबाइस्ड पूरी गाइडलाइंस आपको देते हैं। और दोस्तों अगर बात करते हैं एक यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है, या कह सकते हो इंडियाज का बिगेस्ट लैपटॉप फेस्टिवल चल रहा है, जिसका नाम है बूट अप इंडिया। अब ये बेसिकली आपको काफी ज्यादा गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है और एवरी परचेज मतलब मूवी टिकट हो गया, पिज्जा हो गया, सैलून हो गया, कॉफी वाउचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे इन वाउचर्स का आप यूज करके काफी अच्छे यहाँ पर परचेज में ऑफर पा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर एस्योर्ड करते हैं बेनिफिट, कम से कम 13,000 रुपए तक का यहाँ पर आपको एस्योर्ड बेनिफिट भी बताया जा रहा है। और दोस्तों वीकली लकी ड्रॉ भी चुना जाएगा, जिसमें कि मोटर बाइक, साइकिल हो गया, गिटार हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, अमेजिंग। दोस्तों और बात करते हैं 5% यहाँ पर आपको 5% का जो एवरीडे कैशबैक भी आपको मिलेगा लीडिंग बैंक्स की तरफ से। और दोस्तों बात करते हैं अप टू वन ईयर की फ्री शॉपिंग फ्रॉम रिलायंस ट्रेंड्स, मतलब आप प्राप्त कर सकते हो, तो ये काफी सही चीज है। और दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर मुझे और क्या चीजें देखने को मिली, तो इतना तो मैंने समझाई दी आप लोग को। और यहाँ पर आपको बहुत बहुत मतलब फ्री प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मतलब लैपटॉप के साथ फ्री प्रोडक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, लाइक प्रिंटर हो गया, JBL का मतलब आपका हेडफोन हो गया, ऐसे ऐसे ऑफर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मेन जो यहाँ पर था मैंने बता दिया। अब दोस्तों अगर बात करते हैं लैपटॉप्स की, तो मेरे पास लैपटॉप्स की पूरी यहाँ पर लिस्ट है जो कि आप बगल में देख सकते हो। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर लैपटॉप्स की, तो किन किन लैपटॉप से ऑफर चल रहा है, हालांकि मुझे यहाँ पर काफी अच्छे लगे लैपटॉप, क्योंकि किसी में भी पेंटियम का प्रोसेसर नहीं दिया गया है कि आदमी सस्ता समझ के खरीद ले फिर उसके बाद वो पछताए। तो यहाँ पर आपको बढ़िया i3 जैसे प्रोसेसर मिल जाते हैं जो कि आपके ऑफिस वर्क के लिए, और गेमिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि i3 में गेमिंग नहीं होती, तो गेमिंग भी आप कर सकते हो लेकिन थोड़ी बहुत कर सकते हो, लो परफॉर्मेंस आप कर सकते हो, हाई परफॉर्मेंस वेरी हाई सेटिंग में आप नहीं खेल पाओगे। तो ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप काफी बेहतरीन। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑफर की, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, तो सभी में जैसे ऑफर मिल रहा है, किसी में यहाँ पर फ्री आपको मतलब ऑल इन वन कलर प्रिंटर आपको मिल रहा है जो कि 2,000-4,000 रुपए का है, वो आपको फ्री मिल जा रहा है लैपटॉप की तरफ से। और दोस्तों किसी में JBL के BT स्पीकर मिल रहे हैं, और आपको काफी मतलब अलग अलग MS धोनी एडिशन BT यहाँ पर आपको हेडसेट मिल रहा है, तो ये सब आपको 10,000-10,000 रुपए के हैं। और
यहाँ पर आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, लेकिन ये आपका जो ऑफर है ये सभी लैपटॉप्स पे अवेलेबल है, मतलब अलग अलग लैपटॉप से अलग अलग ऑफर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लेनोवो का हो गया एक लैपटॉप जिसमें कि आपको मोटोरोला पल्स इसके वायरलेस हेडफोन दिए जा रहे हैं, तो बेसिकली आपको सभी में हेडफोन हो गया और प्रिंटर हो गया, ऐसे ऑफर आपको अधिकतर लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं तो दोस्तों ये चाहता हूँ कि अगर आप कुछ लैपटॉप लेने को सोच रहे थे, कि आप अगर चाह रहे थे कि लैपटॉप ले लिया कोई बेहतरीन मतलब गेमिंग के लिए ऑफिस वर्क के लिए, तो यहाँ पर इस समय सबसे अच्छा अपने नजदीकी रिलायंस डिजिटल स्टोर पे जाइए और दोस्तों वहां पर प्राप्त करिए बेहतरीन ऑफर विद बेहतरीन लैपटॉप्स के साथ में, जिनको आप लेने के बाद कभी भी दुखी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और वहां पर आपको अनबाइट जो वहां पर स्टाफ है उनका, वो भी आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देगा। तो जाइए जाइए जल्दी से अपने रिलायंस डिजिटल स्टोर जाइए, अगर आपको लैपटॉप लेना है तो वहां पर आप जाके खरीद सकते हो। और दोस्तों मैंने कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर दी, जो कि आप मेरी लिस्ट बगल में देख पा रहे हो। ये लैपटॉप मुझे सभी बेस्ट लगे, मैं ऐसा कोई लैपटॉप को हटा नहीं सकता कि भैया इसको रिमूव कर दो, कि सभी लैपटॉप बेस्ट है, तो आप इन लिस्ट को भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आपको शो कर दी है, तो उन लिस्ट में से जाके आप कोई भी लैपटॉप खरीद सकते हो, वहां पर काफी अच्छे ऑफर भी हैं और लैपटॉप भी सभी अच्छे हैं। मैंने सबके स्पेक्स यहाँ पर चेक किए और सबको देखा, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी को रिमूव कर दूं किसी लैपटॉप को। आप कोई भी लैपटॉप खरीदोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल भी दुखी नहीं होगे और आप इजिली अपने वर्क को कंप्लीट कर पाओगे। और रिलायंस डिजिटल स्टोर में ऑफर तो इन सभी लैपटॉप पे भी है, तो आप जाके अपना चेक कर सकते हो, आपको गेमिंग या जैसा भी लैपटॉप चाहिए आप चार्ज ले सकते। दोस्तों ये जो ऑफर रहने वाला है 31 अगस्त 2019 तक रहने वाला, तो आराम से जाइए आप खरीदिए लैपटॉप। अब आप बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये जो अनबॉक्सिंग की मैंने गेमिंग लैपटॉप की फुल रिव्यू किया। तो अगर आपकी वीडियो आज अगर ये आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सुधार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।